Hello everyone, this is Aparajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 9, Public Facilities, from your book Civics. So, let's go first, we have a topic where the government's role, yani ki government ka bhai kya role hai public facilities ke antargat, theek hai? So only government should provide facilities to the people as other private companies will only give interest for profit. Ab yahan pe ye bataya gaya hai ki government ke haathon mein hi sara kaam kyun rakhna hai, sirf government hi kyun sari cheezon ka zimma utha ke rakhegi, uske piche ek bahut zyada important wajah hai, theek hai? So government क्या करती है, government ही सबको facility provide वो ही करेगी only, क्योंकि private companies क्या बात आ रही है, private companies होती है ना उनको सिर्फ profit दिखता है, वो लोग सिर्फ वही interest देंगे, सिर्फ उसी जगह घुसेंगे जहाँ पे उनको profit दिख जाता है, ठीक है? अगर अगर public facilities की बात आती है, सिर्फ distribution करना है तो इसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ही तो करना है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ बेचने की बात आती है कि उनको बहुत सारा पानी पानी का टैंकर दिया गया है, उसको देकर लोगों को देकर और उन्हें पैसा मिलेगा वापस, यहाँ उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि भाई पैसों की बात चल रही है, लोग पैसे देंगे किसी चीज के बदले तो भाई वो काम करते हैं, अदरवाइज कहीं भाई फ्री में बिकवाना होता है, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो पीछे हट जाते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी सिर्फ वही इंटरेस्ट देती है जहां पे उन्हें प्रॉफिट दिख रहा होता है। फिर क्या बात आती है, प्राइवेट कंपनी ओनली प्रोवाइड फैसिलिटीज एट अ प्रॉफिटेबल प्राइस एज अदर कैन बी डिप्राइव ड्यू टू नॉट हैविंग मनी। अब यहाँ पे साधारण सी बात है, समझ लीजिए आपका एक लोकल एरिया है, वहां पे पानी का सप्लाई देना है, पानी को सप्लाई कराना है, हर जगह लोगों तक पहुंचाना है, तो बड़े बड़े टैंकर होते हैं ना, बड़े बड़े टैंकर आपने देखा होगा, प्राइवेट कंपनीज भी अपने बड़े बड़े टैंकर लेके आती है और जब पानी दे रही होती है तो उसके उसके वापस करने पे 30 रुपए लेती है, मतलब कि एक पानी की बॉटल देगी तो 30 रुपए लेती है, तो वो प्राइवेट कंपनीज होती है। बोरवेल का पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो आपको फ्री में पानी देगा, ठीक है? लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो आपको पानी देने आती है वो कभी कभार पैसे जरूर लेती हैं। सो क्या सारे लोग पैसों से पानी खरीद पाएंगे? नहीं ना, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए प्राइवेट कंपनी को कभी भी भाई गवर्नमेंटल काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे भी गरीब लोगों से भाई पैसे ले लेगी और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगी। फिर आ जाता है, दिस इज नॉट अ डिजायरेबल ऑप्शन, देयरफॉर ड्यूटी मस्ट बी गिवन टू गवर्नमेंट। सो कोई भी डिजायरेबल ऑप्शन ये नहीं है, इसलिए ड्यूटी जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को देनी चाहिए, गवर्नमेंट को ही भाई सारे जिम्मा दे देना चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज पैसों के लिए ही, पैसों वाली जगह पर ही वो क्या करती है, अपना इंटरेस्ट देती है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है, किसी और को नहीं आने दिया जाता। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था वो क्लियर होता है, बाकी के जितने टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।